दोस्तों अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत को रिलीज होने में अब सिर्फ 10 दिन से भी कम समय रह गए हैं। सलमान खान, कटरीना कैफ और दिशा पटानी स्टारर यह फिल्म 5 जून को ईद के मौके पर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा और ऐसे में कोई शक नहीं कि दर्शकों को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है यह 2019 की पहली 300 करोड़ी बॉलीवुड फिल्म होने वाली है। ऐसे में दोस्तों हमारे पास आई नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का स्क्रीनिंग रखा गया था जिसमें सलमान खान, कटरीना कैफ और इस फिल्म से जुड़ी कई कास्ट के साथ बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी फिल्म के स्क्रीनिंग का हिस्सा थे। ऐसे में दोस्तों शाहरुख खान ने इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने कहा, इस फिल्म को बनाने में सलमान खान ने जितना मेहनत किया है या फिर सलमान खान ने जिस तरह का इस फिल्म में काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान ही कर सकते थे। यानी कि दोस्तों सलमान खान के इस फिल्म में अलग अलग 5 लोग का किरदार निभाना काफी डिफिकल्ट था, जो कि शाहरुख के हिसाब से इस फिल्म में सलमान खान ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाया है। और फिर शाहरुख खान ने कह दिया कि जितना उनको अनुभव है उसके हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ऊपर तक जाएगी। यानी कि दोस्तों जब किंग खान ने कह दिया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वही दोस्तों सबसे खास बात ये है कि अली अब्बास जफर के साथ सलमान खान की ये तीसरी फिल्म है। सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भारत फिल्म से इनकी 300 करोड़ हैट्रिक हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में क्या 500 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।